यस आई हैव परफॉर्म, मैंने होट रसीले जो गाना है फिल्म वेलकम से उसमें परफॉर्मेंस करी है एंड आई थिंक इट्स द सेकेंड लास्ट परफॉर्मेंस इन द शो फ्लो. तो यस ये मेरा सेकेंड परफॉर्मेंस होगा ये शो के ऊपर. ओके पाएंगे आपके बाजू पर हमें तावीज़ देख रहे हैं, क्या ये घर वालों से बचने के लिए आपने पहना है? जी नहीं, ये मेरी मम्मी ने मुझे पहनाया था बिकॉज वो कहती थी कि शी इज़ लाइक अ रिलीजियस लेडी. तो उन्होंने कहा था कि आई हैड अ वेरी बैड पीरियड इन माई करियर पोस्ट कॉर्पोरेट. आई वॉज ऑब्वियसली मैं ट्रांजिशन कर रही थी फ्रॉम द काइंड ऑफ फिल्म्स आई हैव डन टू व्हाट आई वांट टू बी. सो शी गॉट इमोशनल एंड शी जस्ट सेड वेयर दिस किसी की नज़र ना लगे, दैट्स इट. वेल जुल्फी इज ऑलरेडी आउट लाइक हम सबको पता चल गया है. तो दो जने हैं अमंग ऑल द थ्री जो घर में हैं. आई थिंक राजा इज़ अ गुड कंटेंडर एंड उनका नेचर काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाया गया है इस 3 महीने के स्टे में. बट समवेयर मुझे जो उनकी पर्सनैलिटी में एक जो बात है कि ही ऑलवेज स्टैंड अप फॉर वॉट ही बिलीव्स वेदर बाकी घर वाले पसंद करते थे कि नहीं, विच आई फाउंड क्वाइट मैनली, जो बाकी घर के किसी लोगों में नहीं था. So I would give my vote to Raja, but on a personal level, जब मैं second बार घर में गई, I'm not trying to be diplomatic. I related a lot with Zulfi, Ashu, Diana ji, because I tried to be more friends with them. And Ashu के लिए भी मन करता है कि he should win because like everybody's been saying he needs the money and उसका एक honest emotional side भी है जो लोगों को दिखा है show के अंदर. And Zulfi because I think he's a very most cultured guy I've ever met. And so I would want him to meet, but उंगलियाँ तीनों अलग अलग प्रकार की है तो it depends कि जनता को कौन सी उंगली पसंद आएगी. Payal, what was your motive behind going in the Big Boss? Well, the motive was look at this, you know, so people put the face and the name together because Payal Rohatgi in fact industry में है 5 साल से, but I've been doing films like one film in a year, 36 Chinatown, Corporate Dhol. तो एक करियर में जो बूस्ट चाहिए था, I wanted the visibility to come in through television, जो इस शो के शो के थ्रू मुझे मिली है बिकॉज पीपल हैव सीन द शो हैज़ बीन वेरी पॉपुलर. तो पर्पस प्रोफेशनल डिसीजन था एंड आई वॉज देयर फॉर लाइक 2 मंथ सोच के गई थी 1 मंथ के लिए. तो मेरे लिए ऑन द होल द पिक्चर हैज़ बीन वेरी गुड, द शो हैज़ एक्टेड लाइक अ कैटलिस्ट इन माई बॉलीवुड करियर. पायल, जब दूसरे टाइम आप आए थे घर के अंदर तो राहुल के साथ कुछ डिफरेंसेस हुए थे, आपने घर में काफ़ी लोगों से भी बोला था कि राहुल वो बंदा नहीं है, जो वो दोस्त नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, क्या आज आप राहुल से मिली और आज उसी वही दोस्त पाया आपने राहुल में? सी आपको समझना चाहिए राहुल घर के अंदर 3 महीने थे, उनके वॉलंटरी एग्जिट हुई थी 4 दिन पहले एंड ऑब्वियसली वंस ही हैज़ बीन कम आउट ही हैज़ बीन बम्बार्डेड विद ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज जो उनके आजू बाजू क्रिएटेड हुई है. ऑब्वियसली वी हैव स्पोकन ऑन द फोन, वी हैव मेट राइट नाउ बिकॉज इसके पहले शो की प्रोसीडिंग्स हो रही थी, बट देर वर लॉट ऑफ इशूज़ ऑन द शो जो उन्होंने मेरे बारे में कहा विच हर्ट मी एज अ वुमन बिकॉज मैं उनको 7 साल से जानती हूँ. बाहर आने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया कि वो सिचुएशनल था, वो एक्सट्रीम था, वो उनका कहने का मतलब नहीं था, तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ बिकॉज मैं अपनी कोई 7 साल की दोस्ती 2 महीने के गेम शो पे डिसाइड अभी नहीं करूँगी. रिगार्डिंग आगे क्या होता है, ही इज़ बीन माई फ्रेंड एंड राइट नाउ आई डोंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट एनी थिंग मोर देन दैट बिकॉज पर्पज शो का था, प्रोफेशनल डिसीजन. एंड आई थिंक राहुल विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड बिकॉज 7 साल की दोस्ती में 2 महीने के फ्रेंडशिप 2 महीने के गेम शो पे जज नहीं करूँगी. अच्छा पायल, 4 लोगों ने जब दीवार सलाम कर बाहर गए तो क्या अगर आप भी उस जगह पर होती तो क्या आप उनका साथ देती? नहीं बिल्कुल नहीं. इफ़ यू सी आई हैव अ वेरी अगर लोग शायद ये अच्छा नेचर कहे या बुरा नेचर कहे, मैं बहुत सोच समझ के बोलती थी घर के अंदर, ट्राई करती थी. और अगर आपने देखा हो तो राहुल जब भी क्या कहते हैं नटखटपंदी या नॉटीनेस करते थे, आई टेल हिम डोंट डू दिस डोंट डू दैट बिकॉज बाहर इशू बहुत ब्लो अप हो जाएगा. एंड समवेयर आई वॉज राइट बिकॉज इट डिड ब्लो आउट व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस आफ्टर 2 मंथ्स. तो अगर मैं होती तो बिल्कुल नहीं करती बिकॉज ऑब्वियसली 5 दिन रह गए हैं, शो खत्म हो रहा है, घर में दाल चावल था, इट वॉज नॉट एज इफ जैसे शिल्पा जी ने बोला 10 जने थे उनके बिग बॉस बिग ब्रदर के घर में और खाली 6 केले बाकी रह गए थे, यू नो. So it was a better situation than that. But boys are boys, they are impulsive, they are naughty. And technically speaking, unke paas koi bolne ko bhi nahi tha because ki aisa mat karo, waisa mat karo. So I think it was a moment of decision. इनफैक्ट जब राहुल की बात हुई है तो एक और बंदा था जिसके साथ थोड़े से डिफरेंस था आपके घर के अंदर थे, संभावना. हाँ जी. एंड शी जस्ट सेड कि शी इज़ रेडी टू बरी ऑल द डिफरेंसेस. आप क्या कहना चाहेंगे? आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट समथिंग लाइक दिस वुड बी सेड फ्रॉम हर साइड बिकॉज
जब हम शो के बाहर आए थे, जब हमारी स्पेशल एंट्री हुई थी उसके बाहर अब आए थे, तो वी हैड टू वेट फॉर सम पर्पस एंड माय मदर वाज देयर एंड माय मामा मेड एन एफर्ट टू यू नो टॉक टू हर एंड यू नो कॉल हर होम बिकॉज बेसिकली आई हैव पीपल टेल मी हु हैव इंटरेक्टेड विद हर दैट शी हैज़ अ वेरी गुड हार्ट एंड समवेयर दिस इशू हैज़ जस्ट बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन विच आई डोंट वॉन्ट बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई भी ग्रीवेंसेज हो. आई वॉन्ट ऑल पॉजिटिव इंसिडेंट्स टू बी रिलेटेड विद my experience in Big Boss. So for me, there was never a problem. Agar unhone aaj ye bola hai, I'm really thankful because I think the game's over long time back. So we should not extend it beyond that. पहले इनफैक्ट मेट्रो के साथ ये हुआ था, जब बिग ब्रदर से शिल्पा आई थी तो मेट्रो के प्रोमोस नए बनाए गए थे बिकॉज दे वांटेड टू हाइप शिल्पा. आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा हो रहा है, दिल कबड्डी के प्रोमोस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपको ज्यादा दिखाया जा रहा है. ओह थैंक यू. व्हाट डू यू थिंक, मैंने वो कैश कर रहे हैं वो आपकी पॉपुलैरिटी को, जो बिग बॉस की पॉपुलैरिटी है. आई हैव नॉट सीन द प्रोमोस फ्रेंकली बिकॉज मैं अपने ही लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन माई लाइफ, तो मैं टीवी देखना अभी तक थोड़ा स्विच ऑन नहीं किया है. But if you're saying so, I'm very happy and thankful because after all, it is high time. मैं बिलीव करती थी कि समय से ज़्यादा भाग्य से पहले मुझे कभी मिल नहीं सकता. सो इफ़ आई बिलीव माई टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी राइट नाउ एंड पीपल अगर मुझे पहचानने लगे फ्रॉम ले मैन टू एवरीबडी, आई थिंक इट्स हाई टाइम आई गेट दिस रिकग्निशन. आपको